गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर और एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में बताया है। आज हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। हम दो रेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन 2/7 इंटू -3/8। तो न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं था तो ब्रैकेट नहीं लगा दूंगा। अब जो इसमें कैंसिल होंगे तो उसको हम कैंसिल करेंगे, या आप सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। पहले मैं जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर रही हूँ, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब और कोई कैंसिल नहीं हो रहा, ऊपर बचा है हमारा -3 और नीचे है हमारा 7 × 4 = 28। तो ये दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो गया, -3/28। और एक क्वेश्चन करते हैं, -3/5 और 4/-7, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -+4 से। -3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, +4 से। और 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -7 से। अब मैंने आपको बताया था कि कैंसिल हो तो कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करो। तो ये आ गया आपका -12 और ये आ गया आपका -35। अब ये दोनों जगह माइनस है, कैंसिल भी कर सकते हो, बट मैंने आपको मेथड बताया था कि डिनोमिनेटर में माइनस आ जाए तो कैसे उसको हटाना है। -1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, -1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। तो ये आ गया +12 और -35 को -1 से करेंगे +35। तो आंसर क्या आ गया आपका, -35 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर 12/, ये मल्टीप्लाई करके आ गया 12/35। अब आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए, यहाँ पर एक रेशनल नंबर हमारा मिक्स्ड में दे रखा है, तो पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज करो। 3 × 2 = 6 और 1 = 7/3, -9/14। अगर आपको इस मेथड से भी नहीं करना ना, तो डायरेक्ट यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, और यहाँ माइनस है तो यहाँ -3 आएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 और 2 × 1 = 2। तो आंसर हमारा क्या आ गया, -3/2। आपको जो ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है 3.3 एक्सरसाइज का, 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 जो है, यू हैव टू कंप्लीट इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।